अगर आपका पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीजन में लिखा है इनकम्प्लीट फॉर्म 15G, एस्टिमेटेड टोटल इनकम नॉट मेंशन इन कॉलम नंबर 23, या कॉलम और भी कोई हो सकता है, तो मैं आपको इसका मतलब और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं करूँगा सीधे आपके काम की बात। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपने अपना फॉर्म नंबर 19 भरा है तो उसके साथ आपने अपनी फॉर्म नंबर 15G का PDF बना के लगाया है। अब फॉर्म नंबर 15G का जो PDF लगा है उसके अंदर में प्रॉब्लम ये आई है कि वो फॉर्म सही से नहीं भरा गया है, और जब उन्होंने वो PDF देखी है तो उनको एक कॉलम जिसमें लिखा जाता है कि आपके पूरे साल में टोटल एस्टिमेटेड इनकम क्या होती है, उस जगह पे आपने नहीं लिखा है कुछ भी। तो ये मिस्टेक होने की वजह से आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना दोबारा फॉर्म भरना है, और इस बार जो आप 15G फॉर्म भरेंगे वो आपको सही तरीके से भरना है। सही तरीके से मेनली वहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं अमाउंट भरने के, वो दो होते हैं। सबसे पहला अमाउंट होता है कि आप अपना कितना PF निकाल रहे हैं। तो 15G पहले भरना कब होता है ये समझ लीजिए, कैसे भरा जाता है 15G उसके लिए अलग वीडियो है, लेकिन यहाँ आज हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो 15G भरने के अंदर में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कितने रुपये का 15G भर रहे हैं, मतलब आपका कितना PF है। तो मान लीजिए आपका PF है 48,000 और पेंशन है आपका 10,000, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो आपको अपना 15G जो भरना है वो सिर्फ PF वाले अमाउंट के लिए भरना है, पेंशन वाला अमाउंट उसमें नहीं जोड़ना होता। पहली बात ये समझ गए, ठीक है। तो 15G भरना कब है? 15G तभी भरना है जब आपकी जो इनकम, वो जो PF है आपका जो निकाल रहे हैं, पेंशन भूल जाइए, PF जो निकाल रहे हैं वो 50,000 से ऊपर हो और सर्विस आपकी 5 साल से कम हो। सर्विस 5 साल से कम हो, पैसे 50,000 से ऊपर हो, तो ही आपको 15G भरना है। अगर ऐसा नहीं है, आप एडवांस निकाल रहे हैं तो 15G आएगा ही नहीं। अगर आप फुल एंड फाइनल निकाल रहे हैं, वहाँ मान लीजिए 20,000-30,000 हैं, तो वहाँ आप 15G भरिए ही मत, ठीक है। 45,000 से नीचे हैं तो आपको 15G भरना ही नहीं है, ना फॉर्म भरोगे ना वो गलती निकालेंगे। लेकिन अगर 45,000 से ऊपर है तो आपको 15G भरना है। 15G भरें ध्यान से। उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो ये हैं, सबसे पहले आपका PF कितना है वो देखना होता है। उसके बाद अगला जो होता है वो बोलते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड इनकम क्या है। तो यहाँ टोटल एस्टिमेटेड इनकम के अंदर क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका PF का, जितना आपका PF है। मान लीजिए आपका PF 48,000 रुपये, ठीक है, और आपने पूरे साल में आपने 1,60,000 रुपये उठाए। तो 1,60,000 रुपये और 48,000 रुपये, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2,08,000 रुपये बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम हो, मान लीजिए आपके बैंक में FD है 10,000 रुपये, वहाँ से ब्याज आएगा, और आपका और भी हाउस रेंट इनकम है वहाँ से भी आपका ब्याज आएगा। तो ये सभी कंपोनेंट जोड़ के आपका टोटल एस्टिमेटेड इनकम बनती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं तो उनका अगर 2.5 लाख से ऊपर बनता है तो आप 15G फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2.5 लाख से कम बनता है तो आप 15G फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी वार्षिक इनकम, एस्टिमेटेड टोटल इनकम का मतलब हो गया पूरी साल की इनकम, पूरी साल की इनकम में सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर आपके मान लीजिए 50,000 से कम है तो आप 2.5 लाख से ऊपर मत भरिए अपनी इनकम। टोटल एस्टिमेटेड इनकम 2.5 लाख से ऊपर मत भरिए, वरना आपका TDS कटेगा, 10% TDS कटेगा। लेकिन अगर आप कटवाना चाहते हैं, आपको टैक्स भरना ही है, 10% कटने देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 15G फॉर्म मत भरिए। या आप अगर भर भी देते हैं, मान लीजिए आपने टोटल एस्टिमेटेड इनकम लिख दी 3.5 लाख, तो 3.5 लाख लिख दिए तब तो आपको टैक्स देना ही है, फिर आपका वो 15G भरने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो 15G फॉर्म आपको भरना ना भरना एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको मैंने थ्योरी समझाई है। अगर आपको 15G फॉर्म देखना है कि कैसे भरा जाता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है। वीडियो में आप जो फॉर्म भरने वाली वीडियोज़ हैं उनमें जाएंगे, 15G फॉर्म नंबर भरेंगे, वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप अपना 15G फॉर्म सही से भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक वीडियो है जिसमें मैं रिजेक्ट के रीज़न के बारे में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।